हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सरिया जब साइट पे आता है उसका फील्ड टेस्ट कैसे होता है, ठीक है ना। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियो हमारा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एटीएम डाई बार है, ये हमारा एटीएम डाई बार है। इसका जो वेट है, हम तीन बार लेंगे, तीन सरिया लेंगे हम। जैसे एक सरिया ले लिया, एक 1 मीटर का, ठीक है ना, 1 मीटर का, ऐसे दूसरा ले लिया, ऐसे तीसरा ले लिया। इन तीनों का दोस्तों हम वेट करेंगे, ये 1-1 मीटर का सरिया है। इन तीनों का वेट करने के बाद में हमारा वेट आया 1.158, ये आया 3 नंबर सरिया, एट द रेट ऑफ 3 नंबर, 3 बार हैं, इतना वेट आया। अब सैम्पल वेट कैसे निकालेंगे, तो तीनों को ऐड करने के बाद में हमने 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका एवरेज वेट आ गया 0.386 क्या हो गया। लेकिन ATM सरिया का जो यूनिट वेट होता है वो 0.395 होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो हमारा एक्चुअल वेट जो फील्ड में हमने वेट किया है वो 0.386 ये आया, माइनस 0.395, ठीक है, डिवाइड बाय 0.395 जो हमारा स्टैंडर्ड वेट है, जो 162 से डिवाइड करते हैं, d² / 162 जो निकल के आता है, वही वेट यहाँ पे रखेंगे और उसको नीचे रखेंगे डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो जब इसको माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद में आया माइनस का 2.33%। माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये 0.386 कम है, इससे ये ज़्यादा है, ये कम है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए माइनस का 2.33% निकल गया है। तो इसका मतलब क्या, अंडर वेट, यानी जो वेट होना चाहिए वो नहीं है, उसके से कम है। तो जब कम होता है वेट तो हमको बोलते हैं अंडर वेट, ठीक है। तो इतना माइनस का 2.33% अंडर वेट निकल गया है। इसका हम चेकिंग करते हैं, इसका मतलब जो सरिया हमें मिलना चाहिए था, जो वेट हमें मिलना चाहिए था एक सरिया में, वो नहीं मिला, उसका 2.33% कम मिला हमें, ठीक है। ऐसे ही देखिए 10 mm डाई बार है ये। इन तीन सरिया लिया हमने, 3 बार ले लिया, 1, 2, 3 3 बार ले लिया। अब तीनों का जो वेट है ये आया निकल गया, 3 से डिवाइड कर दिया, 0.5986 आ गया, ठीक है ना, माइनस 0.599 ये है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा ये आ गया, इसको हम यहाँ रखेंगे, जो हमारा वेट है स्टैंडर्ड, जो फॉर्मूलेस निकालते हैं वो डिवाइड बाई वही वेट, मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 2.917 आएगा, ये भी अंडर वेट है। तो इस तरह से निकालेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।